Hello students, how are you? I hope you all are fine and doing well and also continuing your studies. In last video, I have discussed the topic organ specific and tissue specific manifestation. In this video, I will discuss to another topic of the chapter Why Do We Fall Ill? That is treatment and prevention of diseases. So let's start the class. Students, today I am going to discuss about principles of treatment and principles of prevention from diseases. आप कभी बीमार पड़े हो तो what are the steps which are being taken by your family? आपकी treatment के लिए क्या steps लिए जाते हैं? तो ये जो disease के बाद किसी भी तरह की infectious disease होने के बाद जो treatment होती है वो treatment जो है it comes under two principles. अब तक जो हमने study किया उसके accordingly it दिस ट्रीटमेंट कैन बी ऑफ टू वेज़ या फिर आप कह सकते हैं दिस ट्रीटमेंट फॉलोज टू प्रिंसिपल्स. पहला प्रिंसिपल या पहला तरीका तो ये है कि टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज़. इफेक्ट जो डिजीज़ का जो इफेक्ट है उसे रिड्यूस करना. एंड इन दिस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट द डिजीज़ कॉजिंग पैथोजेंस आर नॉट किल्ड. जो माइक्रोब्स डिजीज़ कॉज कर रहे हैं उन्हें मारते नहीं, उन्हें किल नहीं करते हैं. इनफैक्ट इन दिस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट इफेक्ट ऑफ द डिजीज इज रिड्यूस्ड. जो इफेक्ट हो रहा है बॉडी पर मीन्स किसी भी तरह के सिम्टम्स जो दिख रहे हैं, फीवर हो या बहुत ज़्यादा कफिंग हो या बहुत ज़्यादा स्नीजिंग हो रही हो या डायरिया हो रहा हो, लूज मोशंस हो रहे हैं, तो इन इफेक्ट्स को रिड्यूस किया जाता है. एंड फॉर दिस द फिजिशियन जो डॉक्टर जिसके पास आप जा रहे हैं, द फिजिशियन कंडक्ट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ऑन द पेशेंट. जो सिम्टम्स पेशेंट में दिख रहे होते हैं डिजीज़ के, उनको वो ट्रीट कर रहा होता है, उनके लिए दवाई दी जाती है. फॉर एग्जाम्पल द फीवर इज ब्रॉट डाउन बाई एंटीपायरेटिक्स. एंटीपायरेटिक्स दिए जाते हैं जिससे फीवर, किसी डिजीज़ की वजह से जो फीवर हुआ है वो कम हो जाए. पेन हो रहा हो तो उसके लिए एनर्जेसिक्स दिए जाते हैं. कॉमन कोल्ड, स्नीज और कफ जो है उनके लिए एंटी एलर्जिक टैबलेट्स दिए जाते हैं, या लूज मोशंस को रोकने के लिए एंटी डायरियल मेडिसिंस दी जाती है. और इन डिजीज़ के जो मेडिसिंस हैं, जो भी ये सिम्टम्स के मेडिसिंस दिए जा रहे हैं उसे कंज्यूम करने के बाद द पेशेंट्स आर एडवाइज्ड कंप्लीट बेड रेस्ट टू रीगेन इट्स एनर्जी. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो सिम्टम्स दिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट की जा रही है. पर्टिकुलर किसी पैथोजन, जो डिजीज़ का कॉजिंग पैथोजन है उसे मार नहीं रहे, उसे किल नहीं कर रहे. तो दिस प्रिंसिपल इन्वॉल्व्स ओनली द रिडक्शन ऑफ द इफेक्ट ऑफ डिजीज़, नॉट द किलिंग ऑफ द पैथोजन. तो अब ये जब होता है तो कई बार ऐसा होता है कि हमें आराम हो भी जाता है, ट्रीटमेंट हो भी जाती है. बट कुछ डिजीज़ ऐसे होते हैं जिनके सिम्टम्स फीवर, लूज मोशंस होते ज़रूर हैं बस, बट उनका ट्रीटमेंट सिर्फ उनके इफ़ेक्ट को रोककर नहीं हो सकता. तो उन डिजीज़ेस के लिए क्या करते हैं, उन डिजीज़ेस के लिए दूसरा प्रिंसिपल है या दूसरा तरीका है ट्रीटमेंट का. एंड दैट इज़ दी टू किल द माइक्रोब्स कॉजिंग इन्फेक्शियस डिजीजेस. जो एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर डिजीज़ को कॉज करने वाले पैथोजेंस हैं, जो माइक्रोब्स हैं, उनको किल करना, उनको मार देना मेडिसिंस दे करके. कैसे, ये जो पैथोजेंस होते हैं मैंने आपको बताया था ट्रीटमेंट के दौरान इन्फेक्शियस एजेंट्स की कैटेगरी जानना इम्पॉर्टेंट क्यों होता है, बिकॉज इट हेल्प्स इन द ट्रीटमेंट. कैसे, क्योंकि ये जो भी मेडिसिंस होते हैं दे यूज़ टू स्टॉप द पर्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेसेस और पाथवेज ऑकरिंग इनसाइड द माइक्रोब्स. तो दीज पैथोजेंस जो डिजीज़ कॉज कर रहे हैं किसी पर्सन में, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोन्स, दे यूज़ टू कैरी वेरियस लाइफ प्रोसेसेस. एंड दीज लाइफ प्रोसेसेस आर इनहिबिटेड और स्टॉप्ड बाय गिविंग पर्टिकुलर मेडिसिंस. फॉर एग्जांपल जो मैंने पिछले वीडियो में बताया, एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं विच यूज़ टू ब्लॉक पाथवेज of the cell wall formation in bacteria, and due to this infectious bacteria which is present in the body of any patient get killed, and this cures the particular disease which was caused by that bacteria. Okay,
नाउ नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन. अब तक तो हमने देखा कि दो वेज थे जिससे हम ट्रीट कर सकते थे, मीन्स ट्रीटमेंट कर सकते थे अगर डिजीज हो गई तो. बट जब भी डिजीज होती है, आइदर इट इज़ एक्यूट और क्रोनिक, आइदर इट इज़ फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन और लॉन्ग ड्यूरेशन, इट डैमेज आवर बॉडी, इट शोज बैड इफेक्ट ऑन आवर बॉडी. कोई ना कोई बैड इफेक्ट होता है. और क्रोनिक डिजीज़ तो ऐसे होते हैं कि कई बार दैट कंप्लीट फिजिकल रिकवरी टेक्स इवन मोर टाइम, इवन इफ़ द इन्फेक्शन इज़ क्योर. इन्फेक्शन क्योर होने के बाद भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है रिकवरी में. सो इट इज़ बेटर टू बी गेट प्रिवेंटेड फ्रॉम एनी डिजीज़ then to get treated. Means prevention is better than treatment. Okay, now the treatment जो है हम तो कर रहे थे दो ways के से. अब ये जो prevention है, principle of prevention, किसी disease से prevent होना, it can be also at two level. There will be two ways for the prevention from the disease. The first way is general ways and the second way is specific ways. General ways of prevention involves many things. It can be at society level also and at personal level. अगर society level पे करें बात, तो society level पे जो garbage है, sewage, kitchen waste है, these waste should be disposed properly and the drains should be kept clean and covered. जो drains होती हैं road sides, road के sides में, उन्हें साफ और जो उन्हें कवर्ड रखे. डस्टबिन शुड बी कवर्ड एंड इंसेक्टिसाइड्स मस्ट बी रेगुलरली स्प्रेड. इंसेक्टिसाइड्स की स्प्रेइंग सोसाइटी में होनी चाहिए एंड दिस रिड्यूसेस द केस ऑफ द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस थ्रू वेक्टर्स. जो भी मॉस्किटोज और फ्लाइज हैं उनसे जो डिजीज स्प्रेड हो सकते हैं उनकी स्प्रेड को ये केसेस को कम कर देता है. नाउ नेक्स्ट इज इफ any person which is infected with any type of infectious diseases which can spread through air or contact, that person should never go in overcrowded places. Kabhi bhi aisa koi person jise aisa koi infectious disease hua hai jo ki air se ya contact ke through spread out ho sake, waise kisi bhi person ko किसी भी ओवर क्राउडेड प्लेस पे, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ वाली जगह पे नहीं जाना चाहिए. बिकॉज़ ये ओवर क्राउडेड प्लेसेस पे ये जो इन्फेक्शियस माइक्रोब्स हैं, दे कैन अटैक मैनी पीपल एट वन टाइम. एक बार में बहुत से लोगों को इन्फेक्शन हो सकता है. बेस्ट एग्जांपल इज़ द प्रेजेंट पेंडेमिक COVID-19. COVID-19 पेशेंट्स को जो है दे आर बीइंग क्वारंटाइंड. उन्हें ये एडवाइस किया जाता है कि दे शुड रिमेन अवे फ्रॉम दी पीपल्स, अवे फ्रॉम दी ओवर क्राउडेड प्लेसेस, क्योंकि COVID-19 का जो वायरस है इट कैन स्प्रेड एंड इन्फेक्ट मैनी पीपल एट वन टाइम इफ एनी COVID-19 पेशेंट विल बी प्रेजेंट इन दी ओवर क्राउडेड प्लेसेस. एंड द अनदर थिंग इज proper spacing should be present in the public meeting place. किसी भी public meeting place पे proper spacing भी होनी चाहिए. और present COVID-19 जो pandemic है इस वक्त तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी है. Now next general way is the prevention of disease which used to spread through water. इसके लिए क्या कर सकते हैं? Drinking water must be treated before use. मतलब हमेशा filtered या boiled water ही consume करना चाहिए and it will reduce the waterborne disease cases. अब next क्या है कि personal level पर अगर हम बात करें तो we should maintain cleanliness of our body. हमारी बॉडी के भी को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए. मीन्स हमें हेल्दी लिविंग हैबिट्स जो है वो अडॉप्ट करने चाहिए. रेगुलरली एक्सरसाइज करना चाहिए, रेगुलरली मेडिटेशन करनी चाहिए टू रिमेन रिलैक्स्ड एंड टू रिमेन चेयरफुल. अच्छे बेटर लाइफस्टाइल के लिए हमें हमेशा एक्सरसाइज करना चाहिए, हमेशा मेडिटेशन करना चाहिए, साफ़ सुथरा रहना चाहिए.
प्रॉपर सैनिटेशन रखनी चाहिए और साथ ही साथ बैलेंस्ड डाइट भी कंज्यूम करना चाहिए। मीन्स हमें प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना चाहिए, जिसके जिसमें सारे जो भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं हमें मिल सके। और ये क्या करती है, जो बैलेंस्ड डाइट है, जो प्रॉपर न्यूट्रिशन है, इट डेवलप्स प्रॉपर इम्यून सिस्टम इन आवर बॉडी। और ये इम्यून सिस्टम अगर अच्छी हो तो किसी भी डिजीज़ का इन्फेक्शन हमें नहीं होगा। नाउ इम्यून सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं तो इम्यून सिस्टम को बेटर करने का एक तरीका है कंज्यूमिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में जो विटामिन होते हैं दे हेल्प्स इन डेवलपिंग और इम्प्रूविंग द इम्यून सिस्टम। बट ऑलवेज कंज्यूम दिस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आफ्टर वॉशिंग। दिस हेल्प्स टू ड्रेन अवे और वॉश अवे एनी माइक्रोब्स और इंसेक्टिसाइड्स ऑन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। नाउ पर्सनल क्लीनलीनेस तो ज़रूरी है ही, पर साथ ही साथ डोमेस्टिक हाइजीन मस्ट बी मेंटेन्ड। मीन्स देयर शुड बी रेगुलर क्लीनिंग ऑफ फ्लोर बाय डिसइंफेक्टेड क्लीनर्स। इसके साथ ही डस्टिंग होनी चाहिए वॉल्स की, डोर्स की, कारपेट्स की। एंड वी शुड स्प्रे मॉस्क्यूटो रिपेलेंट्स टू रिमूव फ्लाइज एंड अदर मॉस्क्यूटोज और वेक्टर्स विच कैन कॉज डिजीज। And the last general way to remain healthy or to remain prevented from disease is that one should keep away from consumption of narcotic drugs, tobacco, smoking and drinking alcohol. किसी भी तरह की जो drugs है, tobacco है, smoking, drinking, alcohol जो है, ये भी avoid करनी चाहिए to remain healthy or to remain prevented from any diseases. Now the specific ways of prevention. अब तक हमने general ways पढ़े, इसमें किसी particular disease से बचने के तरीके नहीं थे, ये ऐसे तरीके थे जो किसी भी disease से बचने के लिए generally adopt किए जाते हैं life में। But specific way means this is a measure or the method to get prevented from a particular disease, किसी particular disease से बचने के लिए, किसी एक disease की बात करेंगे हम लोग। And this specific way deals with the improvement of immune system. ये तरीका जो है specific way किसी भी particular disease से बचने का, वो तरीका है improvement in the immune system of our body. Exactly ये immune system और immunity होती क्या है? A body defense mechanism. हमारी body की एक defense mechanism होती है which controls the growth of disease-causing microbes. जो disease-causing microbes हैं उनकी growth को control करना और disease से बचाने का जो defense mechanism हमारी body में होता है उसे हम कहते हैं immunity. Means body defense mechanism which controls the growth of disease-causing microbes is called as immunity. And to immune the body against a specific pathogen is called immunization. तो immunization एक ऐसा process है जिसमें body को किसी particular एक specific pathogen से के against immune करते हैं, strong बनाते हैं, तो उस process को कहते हैं immunization. So to immune the body against a specific pathogen is called immunization. और ये immunization कैसे किया जाता है? This immunization is done through vaccination. अब ये vaccination और vaccine क्या है, इसे जानने के लिए you have to listen a story of an epidemic smallpox. 100 years ago there was an epidemic called smallpox, and in such an epidemic people used to be very afraid of coming near someone suffering from that smallpox, since they were afraid of catching the disease. इतना डेडली डिजीज़ था स्मॉल पॉक्स और इतना कॉन्टेजियस था कि कोई भी ऐसा पेशेंट जो स्मॉल पॉक्स का है उसके आसपास भी कोई हेल्दी पर्सन जाने से डरता था। बट देर वॉज वन ग्रुप ऑफ पीपल हु डिड नॉट हैव दिस फियर। कुछ ऐसे लोग थे जिनमें ये डर नहीं था, एंड दे यूज टू टेक केयर ऑफ द विक्टिम्स ऑफ स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स पेशेंट्स की देखभाल भी करते थे। ये वो लोग थे जिन्हें पहले भी स्मॉल पॉक्स हो चुका है और वो उससे सर्वाइव कर गए हैं, एंड दे हैव नो फियर ऑफ गेटिंग स्मॉल पॉक्स अगेन। मीन्स स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक के साथ एक बात थी कि अगर स्मॉल पॉक्स एक बार किसी को हो गया
और वो पर्सन उससे सर्वाइव कर गया तो दोबारा उसका इन्फेक्शन उस पर्सन को कभी नहीं होगा। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण था ह्यूमन बींग्स की इम्यून सिस्टम और उसका एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टरिस्टिक, एंड दैट कैरेक्टरिस्टिक टू रिमेंबर द माइक्रोब्स। मीन्स व्हेन आवर इम्यून सिस्टम फर्स्ट सीज एन इन्फेक्शियस माइक्रोब, इट रिस्पॉन्ड अगेंस्ट इट एंड देन रिमेंबर्स इट स्पेसिफिकली, सो दैट द नेक्स्ट टाइम दैट पर्टिकुलर माइक्रोब और इट्स क्लोज रिलेटिव इंटर द बॉडी, द इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड्स विथ इवन ग्रेटर स्ट्रेंथ एंड दिस एलिमिनेट्स द इन्फेक्शन इवन मोर क्विकली देन द फर्स्ट टाइम। मतलब ये कि जब भी किसी तरह का इन्फेक्शियस माइक्रोब हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा होता है, उस वक्त हमारी इम्यून सिस्टम क्या होती है, इट गेट एक्टिवेटेड एंड आफ्टर एक्टिवेशन इट किल्स दैट माइक्रोब, बट इट डजंट ओनली किल्स दैट माइक्रोब्स, इट ऑल्सो रिमेंबर्स दैट माइक्रोब्स, ताकि जब भी सेकेंड इनकाउंटर हो उस माइक्रोब का, मीन्स फिर से अगर वही माइक्रोब बॉडी में इन्फेक्शन करने की कोशिश करे, एंटर करे, या फिर उससे मिलता जुलता कोई माइक्रोब बॉडी में एंटर करने की कोशिश करे, तो जो हमारी इम्यून सिस्टम है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथ से और जल्दी रिस्पॉन्ड करती है, ताकि जो माइक्रोब एंटर हुआ है उसकी जो मल्टीप्लिकेशन है, उसका जो इन्फेक्शन है वो ज़्यादा बढ़ ही नहीं पाता और बहुत जल्दी ही वो इन्फेक्शियस माइक्रोब जो है वो उनकी डेथ हो जाती है, जिस वजह से जो इन्फेक्शन है दोबारा हो नहीं पाता। और यही प्रिंसिपल है वैक्सीनेशन का। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि वैक्सीन बनाते वक्त या वैक्सीनेशन करते वक्त हम हमारी इम्यून सिस्टम को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं बाय डेवलपिंग मेमोरी फॉर द पर्टिकुलर इन्फेक्शन बाय entering or injecting something that mimics the microbes for which we want to vaccinate against into the body। मतलब हम कुछ ऐसा inoculate करते हैं body के अंदर जो exactly उस microbe जैसा तो नहीं मगर उससे मिलता जुलता होता है, जिस microbes के against हमें body के अंदर immunity generate करनी होती है। इसे समझने के लिए एक example देखें। फर्स्ट वैक्सीन जो बनाया था दैट साइंटिस्ट वॉज एडवर्ड जेनर, जो कि स्मॉल पॉक्स की ही स्टडी कर रहे थे। ही वॉज अ डॉक्टर इन इंग्लैंड और उस वक्त ही ऑब्जर्व्ड दैट द एपिडेमिक अफेक्टेड मैनी पीपल इन सिटीज बट देयर वॉज हार्डली एनी इन्फेक्शन इन रूरल एरियाज। सिटीज़ में, मतलब शहरों में तो ये एपिडेमिक काफ़ी ज़्यादा था, बट जो गाँव के एरिया थे वहाँ पर, रूरल एरियाज़ में ये इन्फेक्शन कम, एंड स्पेसिफिकली टू मिल्कमेड्स, जो वहाँ पर मिल्कमेड्स थे, मीन्स जो कैटल्स के साथ वर्क करते थे, काउ या बफेलो के साथ वर्क करते थे, मिल्कमेड्स को ये स्मॉल पॉक्स इन्फेक्शन जो है वो नहीं हो रहा था। तो उन्होंने स्टडी किया कि ऐसा क्यों। आफ्टर हिज ऑब्जर्वेशन ही रियलाइज्ड दैट मिल्कमेड्स हु हैड काउ पॉक्स डिड नॉट कैच स्मॉल पॉक्स। काउ पॉक्स जो था उसी स्मॉल पॉक्स का एक स्मॉलर वर्जन था, और जो भी ऐसे मिल्कमेड्स थे जिन्हें काउ पॉक्स हुआ, द स्मॉलर वर्जन ऑफ दैट स्मॉल पॉक्स, जिसे हम आज चिकन पॉक्स के नाम से जानते हैं, तो जिन्हें भी ये काउ पॉक्स हुआ, वैसे मिल्कमेड्स को स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा था। एंड डॉक्टर जेनर देन थॉट दैट एन इवेंट ऑफ काउ पॉक्स इन द लाइव्स ऑफ मिल्कमेड्स इम्यूनाइज्ड देम फ्रॉम द स्मॉल पॉक्स डिजीज। मीन्स जो भी मिल्कमेड्स थे उन्हें, जिन्हें भी काउ पॉक्स हुआ, उस काउ पॉक्स का इन्फेक्शन जो है उन मिल्कमेड्स को इम्यूनाइज कर गया स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट। एंड लेटर एडवर्ड जेनर ट्राइड हिज थ्योरी प्रैक्टिकली। व्हाट ही डिड, ही डेलिब्रेटली इंजेक्टेड काउ पॉक्स वायरसेस इन सम हेल्दी पीपल एंड ऑब्जर्व दैट दीज पीपल वेयर नाउ रेजिस्टेंट टू स्मॉल पॉक्स। उन्होंने जानबूझकर काउ पॉक्स के वायरसेस को, उसके इनोक्युलम को, जो हेल्दी पर्सन थे उनमें इंजेक्ट किया, और फिर उसके बाद सरप्राइजिंगली उन्होंने ये ऑब्जर्व किया
कि ये सारे लोग जिनमें उन्होंने काउपॉक्स वायरस इंजेक्ट किया था और जिन्हें काउपॉक्स हुआ, वो सारे के सारे स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट इम्यूनाइज्ड हो गए। अब उन्हें स्मॉल पॉक्स के जो वायरस है वो इन्फेक्ट नहीं कर पा रहे थे। एंड दिस वॉज बिकॉज द स्मॉल पॉक्स वायरस वेयर क्लोजली रिलेटेड टू दिस काउपॉक्स वायरस। काउपॉक्स वायरस से काफ़ी मिलते जुलते वायरस थे स्मॉल पॉक्स के वायरस। और क्योंकि काउपॉक्स वायरस जब बॉडी के अंदर एंटर हुआ, उस वक्त इम्यूनिटी, उन सारे लोगों की इम्यून सिस्टम ने उस काउपॉक्स वायरस के अगेंस्ट तो काम किया ही किया, काउपॉक्स वायरस को रिमेम्बर भी कर लिया। अब उससे कोई भी मिलता जुलता, उसका क्लोज रिलेटेड कोई भी वायरस अगर बॉडी में एंटर होगा तो वो वायरस इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकेगा, बिकॉज देयर इम्यून सिस्टम रिमेम्बर्ड दैट वायरस। एंड दिस वॉज द बेसिस ऑफ द वैक्सीनेशन। नाउ फ्रॉम वेयर दिस वैक्सीन वर्ड केम? दिस वैक्सीन वर्ड केम फ्रॉम द लैटिन वर्ड वैक्सीनिया। वैक्सीनिया मीन्स काउपॉक्स, एंड दी काउपॉक्स वॉज द फर्स्ट डिजीज थ्रू विच एडवर्ड जेनर इन्वेंटेड द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन। सो ऑन द बेसिस ऑफ द वर्ड वैक्सीनिया द वैक्सीन वर्ड वॉज इन्वेंटेड। सो बेसिकली वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीनेशन इज फूलिंग ऑफ आवर इम्यून सिस्टम, अपने इम्यून सिस्टम को बेवकूफ़ बनाना बाई इंजेक्टिंग एनी माइक्रोब विच इज़ रिलेटेड टू दैट माइक्रोब अगेंस्ट विच वी वॉन्ट टू जेनरेट इम्यूनाइजेशन इन आवर बॉडी। किसी पर्टिकुलर माइक्रोब, जिस माइक्रोब के अगेंस्ट हमें बॉडी में इम्यूनाइजेशन जनरेट करनी है, उससे रिलेटेड किसी माइक्रोब को, वीक माइक्रोब को इंजेक्ट कराना बॉडी के अंदर, जिससे डिजीज़ तो ना हो, डिजीज़ नहीं होगी बिकॉज वो माइक्रोब्स वीक हैं, उनमें उन्हें ट्रीट करके वीक किया गया है, तो डिजीज़ तो नहीं होगी उन माइक्रोब्स की वजह से, बट वो बॉडी में इम्यूनाइजेशन ज़रूर कर देंगे उस पर्टिकुलर माइक्रोब्स और उससे रिलेटेड सारे माइक्रोब्स से होने वाली डिजीज़ के अगेंस्ट जो है इम्यूनाइजेशन ज़रूर बॉडी के अंदर जनरेट कर देंगे। यू नो ड्यू टू दिस प्रोसेस ओनली वैक्सीनेशन प्रोसेस हैज़ इरेडिकेटेड स्मॉल पॉक्स कम्प्लीटली फ्रॉम द वर्ल्ड। आज की डेट में बहुत से वैक्सीन्स हैं जो अभी भी अवेलेबल हैं फॉर प्रिवेंटिंग अ होल रेंज ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस एंड प्रोवाइडिंग अ डिजीज स्पेसिफिक मीन्स ऑफ प्रिवेंशन। देयर आर वैक्सीन्स अगेंस्ट टेटनस, डिप्थेरिया, वूपिंग कफ, मीजल्स, पोलियो एंड मैनी अदर डिजीजेस। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड दिस कम्प्लीट्स योर चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इल। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, यूज मास्क, यूज सैनिटाइजर एंड मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। हैव अ नाइस डे।